हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7। और आज इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग कुछ एडवांस पढ़ने वाले हैं, मतलब YDSC हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ी थी और आज हम लोग YDSC का कुछ आगे का पोर्शन पढ़ने वाले हैं, कुछ एडवांस चीज़ें उसमें पढ़ने वाले हैं। ये बातें लगभग हर स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको एडवांस चीज़ें कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होंगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम कह सकते हैं कांच के टुकड़े द्वारा उत्पन्न पथांतर। मतलब देखने में ज्योमेट्रिकली तो हमें लगेगा कि पथांतर इनके बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पथांतर क्रिएट होता है। हम देखेंगे कैसे और आखिर वो कितना पथांतर क्रिएट होता है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पथांतर की बात करेंगे और उसके बाद में YDSC का जो हम लोगों ने पिछले दिन लेक्चर देखा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो दीप्त फ्रिंज थी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, वो मिडल में बन रही थी, लेकिन अब की बार वो दीप्त फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी। अब हम ये भी देखेंगे कि आखिर कितना शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां आप लेने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करते रहें हमारे साथ, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है YDSE का पार्ट 2। मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी कांच के स्लैब के आ जाने पर पथांतर कितना क्रिएट होता है, कांच के स्लैब द्वारा पथांतर कितना हो जाएगा, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आखिर कितना पथांतर क्रिएट हो जाता है किसी अन्य माध्यम के आने पर। मान लिया कि दो तरंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे, मान लिया कि दो तरंगे किसी एक जगह से जा रही हैं, ठीक है, इस तरह से S1 व S2 दो सोर्सेज हैं और दोनों तरंगे आगे की ओर जा रही हैं इस तरह से, और रास्ते में होता क्या है कि एक तरंग के रास्ते में एक कांच का टुकड़ा पड़ जाता है। अब मैंने यहां पर कांच लिख दिया है, आप किसी भी पदार्थ, अन्य पदार्थ का माध्यम मान सकते हैं, ठीक है, कांच हो, जल हो, मतलब बर्फ का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, कोई अन्य माध्यम, पारदर्शी माध्यम हो, अगर वो पड़ जाए, ठीक है, और उसके बाद में इससे होकर के प्रकाश आगे पहुंचे, यहां पर एक स्क्रीन रखी है, इस पर गिरे और ये वाली वायु में ही जा रही है, यहां वायु है हर जगह पर, यह कांच का टुकड़ा है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि यहां से यहां तक, देखिए यहां से S1 और S2 से चलने वाली तरंगे स्क्रीन तक पहुंचने में कितनी दूरी तय कर रही हैं, दोनों बराबर दूरियां तय कर रही हैं क्या? तो हाँ, हम कहेंगे कि हाँ, दोनों बराबर दूरियां तय कर रही हैं। सिंपल सी बात है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है हमें कि दोनों बराबर दूरियां तय कर रही हैं। अगर दोनों बराबर दूरी तय करती है, मतलब दोनों का पथ समान है, और अगर दोनों का पथ समान है तो हम अगर कहेंगे इनके बीच में पथांतर क्या है, पथों के बीच में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे आंसर 0 होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई पथांतर नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, अभी यहाँ पर पथांतर हो जाएगा। क्यों हो गया है पथांतर, ये हम लोग देखने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, जब भी एक तरंग के रास्ते में कोई दूसरा माध्यम आ गया और दूसरी तरंग उसी माध्यम में आगे बढ़ती है, तो उनके बीच में पथांतर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब वो पथांतर कितना होता है ये हम लोग देखेंगे और कैसे क्रिएट होता है ये भी हम लोग देखेंगे। मान लिया ये जो भी माध्यम है, इस माध्यम में प्रकाश का वेग वी है, ठीक है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो n है, n हम यहाँ पर म्यू लिख देते हैं, क्योंकि n का मतलब आप नंबर ऑफ फ्रिंजेस समझ सकते हैं, तो यहाँ पर म्यू लिख देते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, मैंने क्या बोला है कि प्रत्येक इस पदार्थ का, जो पदार्थ यहाँ पर है, इस पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश का वेग जो है वो वी है, और यहाँ पर वायु है, तो वायु में प्रकाश का वेग आपको पता ही होता है सी होता है, और इसका पदार्थ का अपवर्तनांक 1 होता है, उसमें कोई टेंशन की लेने की बात है नहीं, ठीक है। यहां पर हम दिखाने के लिए इसके सामने एक ऐसा माध्यम बना देते हैं, इसके सामने
कोई यहाँ पर माध्यम नहीं है, यहाँ पर भी वायु है, मैंने यहाँ पर केवल ऐसे चिन्ह बना दिए हैं कि इतने चौड़ाई में यहाँ पर ये पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाली तरंग यहाँ से सी वेग से जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो भैया वायु ही है, तो यहाँ से सी वेग में जा रही थी और यहाँ पर पहुँची। जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगी और दूसरे माध्यम में इंटर करेगी, तो दूसरे माध्यम में जब चलेगी तो इसका वेग कम हो जाएगा, और जब वेग कम हो जाएगा तो यहाँ से मान लिया बिंदु ए ये है और बिंदु बी यहाँ पर निकल रहा है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, मतलब इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, अगर ए से बी तक पहुंचने में आपको समय निकालना है तो ए से बी तक की दूरी बताइए आप। तो हम मान लेते हैं भैया कि इस टुकड़े की जो चौड़ाई है या मोटाई है, थिकनेस है, वो टी है। कितनी? टी। तो हमने क्या मान लिया, ए से बी तक की दूरी फिर टी हम मानेंगे। तो अगर हम समय निकालना चाहें कि कोई प्रकाश किरण, जो प्रकाश तरंग है, वो ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, तो हम समय निकालें, समय जिसे डेल्टा टी बोलेंगे, डेल्टा टी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? ए से बी तक की दूरी है टी, ओके। और चाल क्या है इसमें? तो इसमें चाल जो है, मतलब वेग यहां पर लेंगे, वेग कितना है? वी। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया? टी अपान वी। अच्छा, आपने कभी एक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा कि वायु में प्रकाश का वेग जो होता है वो सी होता है, और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग सी के बराबर नहीं होता है, उससे कम होता है। और उसके लिए फॉर्मूला, किसी अन्य पदार्थ में प्रकाश के वेग के लिए फॉर्मूला है वी बराबर सी अपान एन। आपने ये पढ़ा ही होगा, वी इज इक्वल टू सी अपान एन, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर ऐसे पढ़ा होगा, एन बराबर सी अपान वी। यहां पर एन का मतलब अपवर्तनांक है, मैंने अपवर्तनांक म्यू लिखा है, तो यहां पर हम म्यू लिख देते हैं, ठीक है। म्यू बराबर सी अपान वी, या फिर वी इक्वल टू सी अपान म्यू, ऐसे आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि ये वी इज इक्वल टू सी अपान म्यू, अर्थात हम जहां पर वी है वहां पर सी अपान म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये वी है ये किसी अन्य पदार्थ में प्रकाश का वेग है, और जो सी होता है वो वायु में प्रकाश का वेग होता है। तो अगर हम यहां पर लिखें टी अपान में, वी की जगह पर लिखें सी अपान म्यू, तो म्यू ऊपर जाएगा, सो म्यू टी अपान में हो जाएगा सी, ओके। समय कितना लगा ए से बी तक पहुंचने में किसी तरंग को, कितना समय लग रहा है? म्यू टी अपान सी, इतना समय लग रहा है। अब इतने ही समय में आप बताएंगे, इतने ही समय में ये वाली तरंग और ये वाली तरंग बिंदु ए पर, और यहां पर मान लिया बिंदु ए डैश है, तो बिंदु ए और ए डैश पर तो समान समय में ही पहुंची होगी। लेकिन ए वाली, यहां से चलने वाली जो तरंग है, ए से बी तक पहुंच जितने समय में पहुंची है, उतने ही समय में ए डैश से ये वाली जो तरंग है वो ए डैश से क्या बी डैश तक ही पहुंचेगी, या कुछ आगे निकल जाएगी? आप बताएंगे। तो डेफिनेटली भैया कुछ आगे निकल जाएगी। क्यों आगे निकल जाएगी? क्योंकि यहां पर ये वाली जो तरंग थी, यहां पर जो प्रकाश की तरंग थी, ये दूसरे माध्यम में गई थी, और दूसरे माध्यम में इसकी स्पीड कम हो गई थी। स्पीड कम होने की वजह से ए तक बी तक, बी से पहुंचने में लगा समय कुछ ज्यादा था, और ये उसी वेग से गई थी, तो ये तो पहले पहुंच चुकी होगी वो, और आगे निकल गई होगी। मतलब जितने समय में ए से बी तक कोई प्रकाश किरण पहुंचती है ये वाली, उतने ही समय में ये वाली बी तक नहीं, बी से कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगी, क्योंकि यहां पर स्पीड कम नहीं हुई, यहां पर वही माध्यम है और यहां पर माध्यम बदल चुका है, स्पीड कम हो गई थी। तो ए से बी तक पहुंचने में जितना समय लगा, उतने समय में ये वाली तरंग ए से ए डैश से बी डैश तक नहीं, बल्कि ए डैश से आगे कहीं पहुंच जाएगी, मान लिया बिंदु सी तक पहुंच जाएगी, ठीक है। मान लिया हमने बिंदु सी तक पहुंच जाएगी, तो अब ध्यान से देखिए ए डैश से सी तक की जो दूरी है वो कितनी है, आप निकाल सकते हैं क्या? ए डैश से सी तक की जो दूरी है वो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए डैश से सी तक की दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसमें चाल क्या है? तो यहाँ पर माध्यम कौन सा है भैया? वायु, और वायु में प्रकाश का वेग सी होता है,
तो माध्यम के, ये अच्छा सी से ना लिखो, सी से अगर आप लिखोगे तो आप कह सकते हो कि प्रकाश का वेग है, इसको और कुछ लिख देते हैं, ठीक है, पी लिख देते हैं, पी तक पहुंच गया, ओके पी लिख दिया। तो ए डैश से पी तक की दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यहां से यहां तक आने में किस चाल से कोई प्रकाश तरंग आएगी, तो वायु माध्यम है, वायु का माध्यम है, तो चाल जो होती है वो सी होती है प्रकाश की, आपको पता है। इनटू समय, समय कितना, तो कितने समय की हम बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक कितने समय में पहुंची है, जितने समय में ये वाली यहां तक पहुंची है, और ये समय कौन सा है, डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पर होगा दूरी ए डैश से पी की दूरी क्या होगी, ए डैश पी बराबर में चाल गुणे समय, चाल है सी और समय है डेल्टा टी, सो ए डैश से पी तक की जो दूरी होगी भैया वो होगी सी इंटू डेल्टा टी, हमारा कितना है म्यू टी अपान सी, सी से सी कैंसल आउट, ए डैश पी इक्वल टू म्यू इंटू टी, ए डैश पी इक्वल टू म्यू इंटू टी। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, कोई प्रकाश तरंग यहां से यहां तक पहुंच चुकी है और ये वाली अभी यहीं तक पहुंची है, अब ये यहां तक पहुंचेगी और ये जब यहां तक पहुंचेगी तो यहां से और यहां से इसको यहां तक पहुंचने में और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में बराबर दूरी तय करनी है या कम ज्यादा, तो कम ज्यादा, इसका मतलब है कि अब इनके बीच के रास्ते में पथों का अंतर हो चुका है, पथांतर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, यहां तक तो पथांतर सेम रहा, यहां से पथांतर बदल गया, अब पथांतर कितना है, ये यहां पर पहुंच चुकी है, ठीक है। इसको अगर हम सही लाइन खींचें सीधी, तो देखिए आप, ये वाली तरंग यहां तक पहुंची, मतलब इतने यहां तक एक तरीके से इतनी आगे पहुंच चुकी है, ये वाली अभी इसको क्रॉस कर पाई है या यहीं तक पहुंची है, तो इनकी रास्ताओं के बीच में ये पथांतर क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, ये पथांतर आ गया, पथांतर को डेल्टा एक्स से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, साफ लिख देते हैं यार, ठीक है, कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से। तो इनके बीच में पथांतर बन गया कि नहीं बन गया भैया, यहां से दोनों प्रकाश तरंगे साथ में चली और साथ में चली तो कोई पथांतर नहीं था, जैसे ही इसके सामने कांच का स्लैब पड़ा और इसके सामने कुछ नहीं पड़ा तो अब इनके बीच में पथांतर बन गया डेल्टा एक्स का। ये डेल्टा एक्स का वैल्यू या फिर इस पथांतर का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो पथांतर आप कैसे निकालेंगे, पथांतर, तो पथांतर मतलब डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स निकालेंगे कैसे, ए डैश पी तक की दूरी से ए डैश बी तक की दूरी को घटा दिया जाए, इसका मतलब है कि ए डैश पी तक की दूरी कितनी है यू टी, अभी तो निकाल ली है यू सॉरी म्यू टी, ओके, तो ए डैश पी तक की दूरी म्यू टी, और म्यू टी से ये ए डैश बी डैश की दूरी जिसे हम टी बोल रहे हैं केवल ये घटा दीजिए, तो पथांतर क्या हो जाएगा, ए डैश पी से ए बी घटा दीजिए, ए डैश पी से ए बी की दूरी घटा दीजिए, तो पथांतर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू डैश सॉरी म्यू इंटू टी हो जाएगा ए डैश पी का वैल्यू, और माइनस में ए बी कितना है टी, थिकनेस थी इसकी तो टी हो जाएगा, सो डेल्टा एक्स मतलब पथांतर बराबर में टी कॉमन हो जाएगा म्यू माइनस वन, और ये पथांतर क्रिएट हो जाएगा। अब ये आप याद रखिएगा, जब भी कोई कांच के स्लैब से कोई तरंग गुजरेगी तो उसके बीच में जो पथांतर होगा t इक्वल टू म्यू माइनस वन होगा, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी का इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। देखो, देखने में तो नहीं लग रहा है कि इनके बीच में पथांतर है, क्योंकि इस वाली तरंग का पथ और इस वाले तरंग के पथ की लंबाइयां तो बराबर ही हैं, तो जब पथों की दूरियां बराबर हैं तो हम कह सकते हैं इनके बीच में पथांतर तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहां पर पथांतर क्रिएट हो गया है, किसके कारण, जैसे ही कांच का स्लैब आया रास्ते में, ठीक है, तो कांच के स्लैब ने इस पथांतर को क्रिएट कर दिया है, तो इसीलिए मैंने लिखा था कांच के टुकड़े द्वारा उत्पन्न पथांतर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस वन, यहां पर टी क्या है, तो टी है उस स्लैब की थिकनेस मोटाई जो भी होगी, और म्यू क्या है उस पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम शिफ्टिंग इसकी निकाल सकते हैं कि जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, और इसको हम मिटा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अभी मैंने मिटाया नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिफ्टिंग आखिर कितनी हो जाती है ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है।
तो अब देखिएगा वाई डी एस ई का पार्ट टू, वाई डी एस ई पार्ट टू, वाई डी एस ई के पार्ट टू। ओके, यहां पर हमने क्या बताया आपको कि एक चीज देखेंगे, आपने पिछले वाले वाई डी एस ई में देखा ही होगा कि दो स्लिट थी हमारे पास, ठीक है, एस वन और एस टू। मेन सोर्स यहां पे ऐसे था, ठीक है, ये एस वन और एस टू, इनके जो बीच का डिस्टेंस था वो डी था, ठीक है, और यहां पर सामने एक स्क्रीन थी, यहां पर हमारी एक सेंट्रल ब्राइट बनता था, मतलब केंद्रीय दीप्त फिंज से बोलते थे, ठीक है, और यहां पर कहीं ना कहीं अन्य कोई फ्रिंजेस बनती थी, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, क्या अगर हम बात करें, यहां पर एक हमने कांच का स्लैब रख दिया, ओके, यहां पे। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे ही हम कांच का स्लैब रखेंगे तो क्या हमारी यहां से यहां तक, यहां से जो तरंग यहां से यहां तक आएगी और ये वाली जो तरंग है ऐसे, क्या समान समय पर पहुंचेंगे? ध्यान से देखिए, यहां पर कांच का स्लैब है, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, S1 से S2 से दोनों तरंगें चलेंगी और क्या इस पॉइंट पर उसी समय पर पहुंचेंगी, समान समय पर पहुंचेंगी? तो आप कहेंगे समान समय पर नहीं पहुंचेंगी। और अगर ये समान समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर पथांतर जीरो नहीं हो सकता। हमने अभी आपको समझाया है कि जब कांच के स्लैब के सामने जो तरंग पहुंचती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने की वजह से उसके बीच में पथांतर बन जाता है, और पथांतर कितना बन जाता है, टी इंटू म्यू माइनस वन। अभी हम लोगों ने देखा ये फॉर्मूला, ठीक है, पथांतर जो अभी बना था कितना था, डेल्टा एक्स इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस वन, यही बना था, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, दूरियां देखने में तो यहां पर भी बराबर दिख रही है, लेकिन बराबर नहीं होंगी, इनके बीच में पथांतर तो बन गया होगा, पथांतर जीरो तो नहीं होगा, और जब पथांतर जीरो नहीं होगा तो हम उसे दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज वो फ्रिंज होती है जहां पर पथांतर शून्य होता है। जैसे अगर ये कांच का स्लैब ना होता तो एस वन और एस टू से चलने वाली तरंगों का पथांतर शून्य होता यहां पर, और पथांतर अगर शून्य है तो इसे हम केंद्रीय दीप्त कहते थे। लेकिन जैसे ये कांच का स्लैब रख दिया गया तो अब पथांतर शून्य नहीं रहा होगा, पथांतर कितना हो गया होगा, टी इंटू म्यू माइनस वन। और अगर इतना पथांतर हुआ है तो आप बता सकते हैं कि यहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज नहीं बनेगी, क्योंकि अब पथांतर आ गया, पथांतर शून्य नहीं रहा, पथांतर शून्य होता तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होती, पथांतर शून्य अब नहीं रहा क्योंकि ये स्लैब आ गया, अब शून्य पथांतर नहीं रहा तो इसका मतलब है ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज भी नहीं रही। अब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगी कहां पर, यह समझना है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज नीचे साइड में होगी या ऊपर साइड में कहीं पर होगी, आप देखिएगा, जरा समझिए कहां पर हो सकती है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज नीचे तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें, सॉरी, ओके, यहां पर अगर हम बात करें कहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो सकती है, आपको समझना होगा, यहां पे अगर हम बात करें S1 से चलने वाली तरंग अभी कम दूरी तय कर रही है और S2 से चलने वाली तरंग ज्यादा दूरी तय कर रही है, देखो देखने में बराबर है लेकिन पथांतर आ चुका है, ये ज्यादा चलता है, ये ज्यादा चलता है ना, तो इसने ये आगे निकल चुकी है, ये पीछे होगी। अगर हम इसको पास में करें, इससे कोई बिंदु ऐसा हो जो इसके पास में हो और इससे दूर में हो, तो हो सकता है दोनों का पथांतर समान हो जाए, ठीक है, तो इसके पास में हो, इससे दूर में हो, तो कहां हो सकता है, इधर साइड में या इधर साइड में, तो सिंपल सी बात है, नीचे साइड में। तो एक काम करते हैं, आपको फील करवाने के लिए हम इसको ऊपर ले लेते हैं यार, ठीक है, अगर नीचे ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहां पर हमने इधर साइड में ले लिया एक कांच का स्लैब, ठीक है। अब देखिएगा, ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है, जिस तरंग के सामने कोई भी स्लैब आता है उसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। मैंने यहां पर अभी जो ऐसे ऐसे दिखाया था, तो देखिए ये यहां पर था और ये आगे निकल गया था, तो कौन अब ज्यादा दूरी तय करेगा पर्दे तक पहुंचने में, ये वाला।
तो जिस तरंग के सामने स्लैब आएगा उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, इसको कम दूरी तय करनी पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं इनके बीच में पथांतर हो गया है, इसलिए दीप्त फ्रिंज नहीं रही है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज नहीं रही है। तो हम क्या करना चाहते हैं, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब पथांतर जीरो पाना चाहते हैं। और अगर आप पथांतर जीरो पाना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इससे और इसकी जो बिंदु जो भी लीजिए वहां से दूरियां समान होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आप बताइए इधर साइड में लोगे इधर साइड में, तो सिंपल सी बात है, अब आप इधर साइड में लेंगे क्योंकि इधर इसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और अगर हम इधर कर देंगे तो इसे कम दूरी और इसे और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर साइड में कोई बिंदु ले लेंगे जहां पर हम मान लेते हैं कि यहां पर यहां से जाने वाली तरंग और यहां से जाने वाली तरंग समान दूरी तय करती है। क्यों, सिंपल सी बात आपको ये समझनी चाहिए कि ये स्लैब से होकर के जा रही है तो इसे ऑलरेडी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही होगी, और ये वाली इसको और ये थोड़ा दूर से आ रही है इसलिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही होगी। अगर हम बात करें यहाँ से, दूरियाँ तो बराबर नहीं है, अगर हम यहाँ से एक लंब डालें, इसका हम नाम दे दें ए, ठीक है, तो S1 और A इन दोनों बिंदुओं से ज्योमेट्रिकली ये दूरियां जो हैं बिंदु P की वो बिल्कुल बराबर होंगी, बराबर होंगी कि नहीं है, S1 और A से ये दूरियां बराबर हैं, लेकिन बराबर एक्चुअल में नहीं है क्योंकि ये वाली जो तरंग है ये स्लैब से होकर जा रही है, ये बिना स्लैब के जा रही है, तो ये ज़्यादा दूरी तय कर रही है, तो यहां से ये वाली ज़्यादा दूरी है और ये वाली कम दूरी है। और अगर इसमें जितनी ज़्यादा दूरी है वही ज़्यादा दूरी इसके बराबर हो जाए तो इनके और इनके बीच का पथांतर शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा दूरी तय कर रही है, ये कम दूरी तय कर रही है, ये जितनी ज़्यादा दूरी तय कर रही है उतनी ही दूरी अगर ये हो, ठीक है, तो इसकी यहाँ से दूरी और इसकी यहाँ से दूरी बराबर हो जाएगी, फिर हम कह सकते हैं कि इनके बीच में पथांतर शून्य हो गया। देखो देखने में आपको नहीं लगेगा कि ये वाली कम दूरी, ये ज़्यादा दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, देखने में नहीं है, लेकिन इस स्लैब के आने से वो पथांतर क्रिएट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा दूरी चलेगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा जितना ज़्यादा चल रही है, कितना ज़्यादा चल रही है, इतना, और अगर यही जितनी ये ज़्यादा चल रही थी वही ये दूरी हो, जिसे मान लिया है 2 मीटर ज़्यादा चल रही है, तो 2 मीटर की लंबाई ये भी हो, तो यहाँ से चलने वाली और यहाँ से चलने वाली तरंगें समान समय पर वहाँ पर पहुँचेंगी और इनकी दूरियाँ भी समान होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो दूरी है वो वाली दूरी उसके बराबर ऊंची, उस पथांतर के बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वाली जो दूरी होती है आपने पिछली वाली क्लास में देखा ही होगा, इस वाली दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरा पेन कहाँ गया भाई, कहाँ डाल दियो, हाँ मिल गया, ओके, ये वाली जो दूरी होती है वो डी साइन थीटा होता है, मैंने आपको बताया ही है, डी साइन थीटा आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग ये जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होता है वो थीटा होता है, तो ये भी एंगल थीटा होता है, पिछली क्लास देख करके आइएगा। ठीक है, और ये हमारा होता है डी साइन थीटा, हम कह सकते हैं कि डी साइन थीटा जो है ये पथांतर था पहले, और ये पथांतर अगर उस पथांतर के इक्वल हो जाए, मतलब उस डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाए, तो समझ लो कि हमारा पथांतर वहां पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो d साइन थीटा इक्वल टू ये पथांतर कितना है, t इंटू म्यू माइनस वन। ओके, तो यहां पर d अपान में अगर हम कर दें तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू t इंटू म्यू माइनस वन अपान डी। ओके, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें अगर शिफ्टिंग निकालनी है कि ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जब यहां पर नहीं रही है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज अब यहां पर पहुंच गई है, यह सेंट्रल ब्राइट हो गया। ठीक है, तो ये कितना शिफ्ट हो गया है, मान लिया एक्स दूरी शिफ्ट हो गया है ये। ठीक है, तो अगर एक्स दूरी शिफ्ट हुआ है तो आप एक्स का वैल्यू निकालें, कितना शिफ्ट हो गया ये निकाल के दिखाइए। इसकी दूरी हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, साइन थीटा जो है, हमें पता है कि जो थीटा होते हैं बहुत ही एंगल ये छोटे छोटे होते हैं, और एंगल जब छोटे होते हैं तो साइन थीटा को इक्वल लिख लेते हैं टेन थीटा के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज लगभग बराबर होता है टेन थीटा के। हम कह सकते हैं ना, जब थीटा बहुत ही छोटा हो, ये कंडीशन लिख दीजिएगा, थीटा इज वेरी लेसर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पर साइन थीटा की जगह पर हम लोग टेन थीटा लिख देते हैं, और इक्वल में टी इंटू म्यू माइनस वन अपान डी। टेन थीटा का फॉर्मूला
लंब बटे आधार, आपको पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो पढ़ी होगी हाई स्कूल में, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये वाला एंगल त्रिभुज देखिएगा ये, ठीक है। तो लंब क्या है x अपान आधार क्या है ये d, x अपान d बराबर में क्या है t इंटू म्यू माइनस वन अपान d, ओके। अगर आपको x निकालना है तो उधर कर दीजिए d को, तो x बराबर में t इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी अपान डी, सही फार्मूला हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है यहाँ पर, हमने निकाल लिया ना ये फार्मूला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये शिफ्टिंग का फार्मूला आपको समझ में भी आ गया होगा, आखिर शिफ्टिंग का फार्मूला क्या है, यहाँ पर टी क्या है याद रखिएगा, इस टुकड़े की चौड़ाई है, म्यू क्या है इस पदार्थ का अपवर्तनांक है, डी आपको पता ही है स्क्रीन की डिस्टेंस है, और डी जो है स्मॉल डी ये जो है दोनों झिर्रियों के या दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो कितना शिफ्ट हो गया है केंद्रीय दीप्त पुंज, कितना शिफ्ट हो गई है, तो हम लोग केंद्रीय दीप्त पुंज की शिफ्टिंग अगर निकालना चाहते हैं तो हमने निकाल ली है x इज इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी अपॉन लैम्डा। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने चित्र बनाया, आपको पता है कि डी साइन थीटा इक्वल होना चाहिए इसके पथांतर का, और इसका पथांतर आपको पता था टी इंटू म्यू माइनस वन है, तो म्यू टी इंटू म्यू माइनस वन बराबर होगा इसका पथांतर, मतलब डी साइन थीटा के, साइन थीटा निकाल दिया, साइन थीटा की जगह पर टेन थीटा लिख दिया, टेन थीटा को लंब बटे आधार सर से इससे x अपॉन d लिख दिया और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मेरे ख्याल से कुछ भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप फील करना चाहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको, ठीक है। ये एडवांस लेक्चर था YDSE का, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हर टीचर नहीं पढ़ाता है, ठीक है। चलो, आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, और पढ़ाई करते रहिए।